जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे आप अपने घरों पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है हमारा और उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन चल रही है। लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन करा है। आज जो नया सीखने वाले हैं वो क्या है हमारे सामने, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। और इस रिएक्शन में हम एल्कीन में H2O ऐड करते हैं, इसलिए मैंने मेंशन कर रखा है ब्रैकेट में एडिशन ऑफ वाटर। हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो देखेंगे सिंपल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसका मैकेनिज्म देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे हार्ड एग्जांपल, उसका मैकेनिज्म देखेंगे, कुछ ऐसे एग्जांपल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं एग्जांपल। सबसे पहले हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन को समझते हैं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है, तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन से, सिंपल लिख देते हैं ओ से, और मर्करी का मतलब है एचजी से। यानी हम इस रिएक्शन को भी टू पार्ट में देखेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन और एचजी मर्करी ऐड करेंगे एक बार एल्कीन में, और दूसरे स्टेप में हम डी का मतलब है कि हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, माइनस एचजी रिमूव कर देंगे। जो हमने एचजी ऐड किया था हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, और क्या लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल हमारा प्रोडक्ट बनेगा। चलो, ये तो हमने समझा कि हम क्या करने वाले हैं, पिक्चर क्लियर होगी माइंड के अंदर कि हम ये करेंगे। दो स्टेप में रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आइए ये लीजिए सिंपलेस्ट एग्जांपल, इससे सिंपल एल्कीन नहीं हो सकती। ठीक है, हम रिएक्ट कराते हैं, क्या क्या चीज़ लेंगे पहले देखते हैं। एच जी ओ CuCS3, इसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट इन H2O। ठीक है, H2O के साथ में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कीन की, और NaBH4 इन बेसिक मीडियम। तो क्या हो गया हमारा, एक कंडीशन तो हम ये देंगे और दूसरी कंडीशन देंगे हम ये सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अब सुनिए, ये करने के बाद में बनेगा क्या, मैंने क्या बोला, अल्कोहल बनेगा। एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, एक डबल बॉन्ड का जो एक बॉन्ड था वो मैंने रिमूव कर दिया, और एक तरफ OH और दूसरी जगह क्या लगा लिया मैंने, बिल्कुल H ऐड कर दिया है। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एडिशन रिएक्शन है तो ऑब्वियस ही बात है अनसेचुरेटेड कंपाउंड लेंगे। अनसेचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, H और OH। ध्यान से देखिए क्या ऐड कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ वाटर। चलें, ठीक है, अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म। रिएक्शन याद करना बड़ी चीज़ नहीं है, मैकेनिज्म बहुत बड़ी चीज़ है कि कैसे होती है, ये हमें आनी चाहिए। चलो मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म आई, चलें तो ये मैकेनिज्म ऐसे ही है। मान लीजिए आप कहीं गए, बाहर घूमने गए, जहाँ पे भी आप रहते हैं उससे बाहर कहीं टूर पे गए, कितना अच्छा लग रहा है टूर पे जाना, कोई भी कोरोना चल रहा है, घर पे ही खेद है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप बाहर जा रहे हैं कहीं घूमने, आपने कोई डिश खाई वो आपको बहुत अच्छा लगी, तो आप सोचते हैं कि अरे अपने वहाँ तो बनती नहीं, अपन इसका क्या पढ़ते हैं कि इसकी डिश बनती कैसे, वो पूछ रहे हैं आप। तो वही मैकेनिज्म है कि जो प्रोडक्ट है इससे बन कैसे रहा है, वही हमारा मैकेनिज्म है। तो देखिए सबसे पहले होगा क्या, आपकी जो एल्कीन है वो किससे रिएक्ट करेगी, इससे रिएक्ट करेगी मर्क्यूरिक एसिटेट से, और कैसे करेगी, ऐसे जैसे बता रहा हूँ। इलिज ब्रेक कीजिए, डिच क्या हो, नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली ऑक्सीजन की ज़्यादा है, एचजी से, एचजी मेटल है तो पॉजिटिव साइन आना है। ठीक है, अब इसको रिएक्ट कराइए। मान लीजिए कि ये जो एल्कीन की जो बॉन्ड डबल बॉन्ड है इधर शिफ्ट होके डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और एचजी जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, और ये आके क्या होगा, ऐड होगा, कैसे होगा देखिए, यही मेन चीज़ है, ये आएगा और इस पर आके ऐड हो जाएगा। ये लीजिए, ये दोनों CH2 मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, HG OCOCH3, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो, HG OCOCH3 ये रहा,
और इस पे आ गया पॉजिटिव साइन। अब आप बोलोगे कि ये कैसे बन गया, तो सुनिए इसको समझते हैं। पहले ये जो सी एस टू था इस पे एच जी आके ऐड हो गया, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसी बात है पॉजिटिव है, हमने माना इधर शिफ्ट हो गया है पोलर करके, इसको यहाँ पे क्या कर लिया नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट कर लिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया और यहाँ पे क्या आ गया मान लीजिए पॉजिटिव साइन। तो एच जी है जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको, और इससे क्या बना लेगा बॉन्ड। ये न्यूट्रल अभी, लेकिन जैसे ही बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और एच जी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए क्या आ गया पॉजिटिव। ये सेम पिछली रिएक्शन के जैसे हमने साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाया था ऐसे ही है ये। अब इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं क्या, मरकरी नॉन क्लासिकल मरकरी ब्रिज, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब देखिए आप सोचेंगे नॉन क्लासिकल का क्या मतलब है, नॉन क्लासिकल का मतलब है जो क्लासिकल नहीं है। अब आप बोलोगे क्लासिकल क्या होता है, तो सुनिए इस तरह के कार्बोकेटायन, किस तरह के, इस तरह के CH3+ C2SCH3+ CH2+ यहाँ पे प्लस, ये जो मैंने एग्जांपल बनाए हैं अभी ब्लैक में, ये क्लासिकल कार्बोकेटायन है जैसे हम देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, ऐसा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन हमने बनाया था वो, ये होते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। एक्चुअली में इस रिंग में पॉजिटिव साइन है, आप इसे क्या बोल सकते हैं, मरकरी ब्रिज्ड नॉन क्लासिकल आयन भी इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, यहाँ पे बन गया। सुनिए इस पूरे सिस्टम में 3-मेंबर रिंग बन गया, पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली बात है स्टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या होगा, अब इस पे होगा कुछ ऐसा, कैसा होगा ऐसा, H2O अटैक करेगा, H2O ही तो ले रखा हमने, ये किस दिन काम आएगा। आइए आप इसको कहीं से भी अटैक करा दीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ से अटैक करा दिया, ध्यान रखिएगा एच जी जहाँ से ऐड है उसके बैक साइड से ही अटैक करेगा, क्योंकि अगर यहाँ से आया तो ये रिपल्शन फील कराएगा, समझ में आ गया। तो आपको करना क्या है कि ऐसा ही यहाँ पे अटैक कराना है और ये रिंग ओपनिंग करानी है, यहाँ पे आ जाएगा ओ एच एच, यहाँ पे क्या है एच जी ओ सी ओ सी एच थ्री, ये लीजिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, और सेम टाइम में ये रिंग क्या हो रही है यहाँ से ओपन, ठीक है। मरकरी अब वापस अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्या होना है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव रह नहीं सकता, ये अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एच पॉजिटिव बाहर निकाल देगा, एच पॉजिटिव बाहर निकल गया। अब क्या बना, ध्यान से देखिए सी एस टू सी एस टू ओ एच एच जी ओ सी ओ सी एच थ्री, ये लीजिए बन गया। अब सुनिए यहाँ से जो एच नेगेटिव निकला है वो इस वाले एसीटेट आयन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये बाहर भी बन जाएगा। एसीटेट आयन बाहर निकल गया था, ये H प्लस लेके क्या बना लेगा एसिटिक एसिड, ठीक है। और यहाँ से जैसे H प्लस निकलेगा तो ये बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या है, इसका नाम लिख लेते हैं, ये है हाइड्रोक्सी एल्काइल मरकरी कंपाउंड, ये हमने इसका नाम लिख लिया जो हमारे सामने आया है। क्या हाइड्रोक्सी का मतलब है OH, ओके, और ये पूरा ग्रुप आपको पता ही है, ये एल्काइल है, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे पूरा मरकरी कंपाउंड लिख लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले यहाँ पे रुकते हैं एक बार। अब सुनिए मैंने बोला था ये रिएक्शन में टू स्टेप में देखेंगे, पहला ऑक्सीमर्क्यूरेशन और दूसरा डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन और मरकरी का एडिशन होगा, यहाँ पे OH भी जुड़ रहा है और मरकरी भी जुड़ गया, तो ये जो स्टेप अभी हमने किया है ये कौन सा स्टेप था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये लीजिए।
तो हमने ऑक्सीजन और मरकरी को एल्कीन में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब चलते हैं मैकेनिज्म के सेकंड पार्ट में, सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। आइए, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, डी मर्क्यूरेशन। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं डी मर्क्यूरेशन, डी फॉर डॉन, नहीं डी जा जिसके आगे लग जाता है, इसका मतलब है हम वो रिमूव करना वाले हैं, करने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इस स्टेप के अंदर। तो लीजिए, हम यहीं से इसको ले लेते हैं और ये लीजिए OH HgOCOCH3 क्या आएगा, NaBH4 इन बेसिक मीडियम, ये लीजिए सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो यहाँ ये क्या करता है, हाइड्राइड शिफ्ट कराता है, हाइड्राइड सॉरी सप्लाई करता है, क्या करता है, हाइड्राइड सप्लाई, हाइड्राइड सप्लाई करता है एच नेगेटिव। अब ये एच नेगेटिव करता क्या है, तो उसको सुनिए, यहाँ से ये पूरा जो ग्रुप है वो तो चला जाएगा और इसको कौन रिप्लेस कर देगा, एच नेगेटिव। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, एच नेगेटिव। तो आइए बनेगा क्या, उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा CH2 OH एज इट इज़ है, यहाँ पे HgH आ जाता है। आप कई बुक्स में देखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे H रिप्लेस कर दिया, इस पूरे ग्रुप को Hg को भी रिप्लेस कर दिया। ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ से एसीटेट आयन जो है वो बाहर निकलता है, इसको कौन रिप्लेस करता है, H नेगेटिव। अब यहाँ ध्यान रखिए क्या हो रहा है मेन चीज़, यहाँ से अब ये और ये, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये होमोलाइटिक क्लीवेज और रेडिकल फॉर्म होगा, एच रेडिकल बनेगा, एल्काइल रेडिकल बनेगा और एच जी जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो क्या होगा, और ये जो रेडिकल है एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा, सुनिए कैसे, ऐसे ये लीजिए, मैं इसकी बातें कर रहा हूँ, बन गया रेडिकल, इस पे एच रेडिकल क्या करेगा, अटैक करेगा और दोनों साइड से करेगा, यहाँ से भी करेगा और यहाँ से भी करेगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एंटी एडिशन मत बोलेगा कि हम एंटी एडिशन ही करवाएंगे, यहाँ पे सिन और एंटी दोनों बनेगा। तो प्रोडक्ट बना देता हूँ मैं एक बार, CH3 CH2 OH एल्कोहल बना दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा सिन एज वेल एज एंटी, एंटी नहीं है एंटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सिन और एंटी दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। हुआ क्या है इसके अंदर, मैं दोबारा से देखते हैं, डी मर्क्यूरेशन का मतलब है कि मर्क्यूरी जो हमने ऐड किया है यहाँ पे, वो हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो क्या किया, CH2 CH2 OH यहाँ से हम इस पूरे को हमने रिएक्ट कराया सेकंड कंडीशन से, ये रही सेकंड कंडीशन, ये क्या करता है, हाइड्राइड सप्लाई कराता है, एच नेगेटिव आया और ये पूरे ग्रुप बाहर कर दिया, माइग्रेट कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया उसको, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है और यहाँ से क्या निकल जा रहा है, Hg निकल जा रहा है, क्यों, क्योंकि रेडिकल फॉर्म कर रहा है, यहाँ से एक ये बॉन्ड टूटा, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, ठीक है, समांश विखंडन, H रेडिकल बन गया और यहाँ पे H रेडिकल यहाँ से भी हुआ, तो H रेडिकल इसके पास इलेक्ट्रॉन जो दिए थे वापस आ गए सारे, और Hg किस में आ गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे देखिए HCS2 रेडिकल बना और ये H रेडिकल जो था ऊपर से और नीचे से अटैक करके सिन और एंटी दोनों तरह के प्रोडक्ट बना लेगा, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा मैकेनिज्म है, एक बार दोबारा से फटाक से देख लेते हैं क्या क्या है, हमने दो कंडीशन लगाएंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पहला ऑक्सीमर्क्यूरेशन के अंदर क्या होगा, OH और Hg को हम इंट्रोड्यूस करेंगे एल्कीन में, एल्कीन ले ली, सिमेट्रिक एल्कीन लिए, इसके अंदर ऐसे क्या बनता है, मर्क्यूरी ब्रिज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। फिर यहाँ से H2 अटैक करता है और यहाँ से H+ रिमूव होकर हमारे पास में क्या होता है, हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड बनता है, जिसको हम डीमर्क्यूरेशन के अंदर रिएक्ट कराते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, और कैसे होता है, हाइड्राइड सप्लाई कराता है, यहाँ से एसीटेट ग्रुप माइग्रेट हो जाता है यानी सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय हाइड्राइड आयन, और यहाँ से फिर क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज बनके यहाँ पे रेडिकल जनरेट होता है, और जो हाइड्रोजन रेडिकल है वो दोनों तरफ से अटैक करेगा और क्या बना लेगा, सिन और एंटी प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, अभी तक हमने इस रिएक्शन में देखा जो हमने एग्जाम्पल लिया वो सिमेट्रिक एल्कीन थी, अब मान लीजिए एसिमेट्रिक एल्कीन आ गई जो कि आएगी, ठीक है, उसको हम कैसे देखेंगे, उसका मैकेनिज्म कैसे देखेंगे, उसमें प्रोडक्ट कैसे बनेंगे और क्या मार्कोनिकॉफ रूल आएगा। अभी तक हमने इस वर्ड का यूज़ में नहीं लिया है क्योंकि सिमेट्रिक एल्कीन थी, ठीक है। एग्जांपल मान लीजिए हमारे सामने ये आ जाए,
ये लीजिए एग्जांपल, ये लो, ये एग्जांपल आ गया। कंडीशन लगाइए, कंडीशन हमें बहुत अच्छे से पता है, पढ़ेंगे तो ही पास होंगे, वो भी पास ही नहीं होना है तहलका मचाना है कि हाँ हो गया भैया। चलो कंडीशन NaBH4 इन बेसिक कंडीशन ये लीजिए, और प्रोडक्ट क्या बनना है देखिए, मैं पहले प्रोडक्ट बना देता हूँ उसके बाद मैं मैकेनिज्म की बातें करेंगे। ये लीजिए, अब आप ये मेजर प्रोडक्ट बनाया है मैंने, ध्यान रखिएगा मेजर प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि दूसरा नहीं बनेगा, दूसरा भी बनेगा लेकिन हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, क्या बोला मैंने, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा मार्कोनिकॉफ रूल जब भी आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारे, कौन है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये जो महाराज हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं, क्योंकि हम इसको ब्रेक किया था, मैकेनिज्म देखा अभी जस्ट, हाँ तो ये है इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखिए क्या बोला मार्कोनिकॉफ ने कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एसमेट्रिक एल्कीन के उस डबल बॉन्ड पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं एंटी मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो ध्यान रखिएगा इनका स्टेटमेंट क्या था, डबल बॉन्ड वाले, ध्यान रखिए इस सिस्टम के बोल कर इन दोनों कार्बन की, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे जाएगा तो इसकी जगह ही एच आ जाना है। मैकेनिज्म देखते हैं, आपको लग रहा होगा नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म जल्दी से देखिए क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एल्कीन ली, बिल्कुल ले ली, हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इलेक्ट्रोफाइल भी आ गया जी, ले लीजिए, और हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, ब्रिज कंपाउंड बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, बना लिया जी, पॉजिटिव साइन भी लगा लिया, OCOCH3 इसके साथ में है ही, ये लीजिए कैसे बना वो मैं बता चुका हूँ, ठीक आगे चलते हैं। अब क्या होगा, H2O अटैक करेगा, अरे H2O करेगा नहीं करेगा, अब सुनिए कहाँ से अटैक करे, दो कंडीशन है इसके पास में, दो तरह का है वो कार्बन है, एक ये और एक ये, अब इस पर प्रॉब्लम आ गया तो ध्यान रखिएगा वो यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि जब यहाँ अटैक करेगा तो देखिए ये जब हटेगा तो कार्बोकैटायन जनरेट होगा थोड़ी देर के लिए और वो 2 डिग्री होगा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन अगर यहाँ से अटैक करता है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आना है, वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो इस कंडीशन में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट करने के लिए H2 यहाँ पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूँ, CH3CHCH2HgOCOCH3, और यहाँ पे क्या लग गया कि OHH पॉजिटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसलिए पॉजिटिव साइन। अभी मैं यहाँ का नहीं बता रहा, सिर्फ यहाँ का अटैक वर्क करके बता रहा हूँ, मेजर प्रोडक्ट, ओके ये बन गया, यहाँ तक आ गया, देख लिया था, ठीक है। यहाँ से क्या होना है, अब ऐसी बात है ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से छीन लेगा, अगर हाइड्रोजन से नहीं छीनेगा तो इससे लेगा, वापस वही कंडीशन हो जानी, ठीक है आगे चलते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे CH3CHOH CH2HgOCOCH3, ये लीजिए बन गया। अब क्या करना है, ये हो ही गया, बन गया, और साथ में क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। वो क्यों बनेगा वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसका एक पार्ट एसिटेट आयन बनेगा जो कि H+ जो रिमूव हुआ है उसके साथ में रिएक्शन करके बना लेगा ये। अब बनाइए इसको, हम क्या बोल रहे थे, हाइड्रोक्सी एल्किल मर्क्यूरी कंपाउंड, ठीक है मर्क्यूरी कंपाउंड। अब ये जो रिएक्ट करेगा सेकंड स्टेप में, डी मर्क्यूरेशन की बात कर रहे हैं हम, उसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये OH है हमारा और ये CH2HgOCOCH3, मैं खोल के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए। ये लीजिए
क्या बोला, यहाँ से हाइड्राइड आयन आएगा, एच नेगेटिव आयन आएगा और वो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा। कैसे? ऐसे ऐसे ओ एच एच जी साथ में क्या आएगा, एच। ओके हाइड्राइड, अरे भाई ये क्या देगा, एच नेगेटिव सप्लाई करता है ना, ठीक है, इसकी जगह आ गया ये, अभी बताया जस्ट। अब क्या होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, रेडिकल बनेगा, और रेडिकल जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखिए, ये बन गया OH, ये बन गया रेडिकल। अब यहाँ पे H रेडिकल आएगा, क्यों क्यों, तो देखिए यूँ, यहाँ से यहाँ से, ठीक है, रेडिकल जनरेट होगा H रेडिकल, और वो इस रेडिकल पे दो तरह से अप्रोच कर सकता है, यहाँ से और यहाँ से। तो क्या बोलेंगे, सिन और एंटी दोनों बनेंगे, प्रोडक्ट बना देता हूँ मैं, स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अल्कोहल बना दे रहा हूँ। मैंने बोला था मार्कोनिकोफ रूल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अटैक कर रहा है H2O वो उस कार्बन पे कर रहा है जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, थोड़ी देर के लिए बनेगा लेकिन बनेगा, बोलेंगे नहीं कि कार्बोकेटाइन, लेकिन जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा पॉजिटिव साइन आएगा, खटाक से अटैक कर लेगा और ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, क्या बना है, मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे हम ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एग्जाम्पल लेंगे कुछ नए नए, ओके। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करके इस रिएक्शन को सीखने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के रिएक्टेंट आएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है। मान लीजिए इसके अंदर मैं इसको ऐसे करता हूँ, एक कंडीशन तो दे देता हूँ इसमें, अभी क्या पढ़ा हमने, बिल्कुल वही दे देते हैं, COCH3। अभी हमने कर लिया ये, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा करने में क्या प्रॉब्लम है, हमें प्रोडक्ट बनाना है, सीखना है हमें, NaBH4 OH माइनस। दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं B2H6 THF और S2O2 इन बेसिक कंडीशन, ये लीजिए प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट मैं बना देता हूँ, क्या बनेंगे, ये बनेंगे CH3CHCH2। ये तो दोनों में कॉमन है, लेकिन प्रोडक्ट में जो वेरिएशन रहेगा वो क्या रहेगा, सुनिए, OH H is OH। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया है, परऑक्साइड कराया है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू एंटी कोवनिकोफ्स रूल और ये मार्क रूल, शॉर्ट में लिख दिया है, ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उल्टा है जस्ट, ये इसमें मेजर प्रोडक्ट बताए मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो, ये तो हो गया वन, और अब हम लेते हैं टू, कैसा कि आपको दे कुछ ऐसा, कैसा दे, ऐसा ऐसा, ये लीजिए, और आपको क्या दे, कंडीशन दे दे कि भैया सॉल्व कीजिए, वॉट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस कंडीशन और रिएक्शन, सॉरी H2O2 इन बेसिक मीडियम और सेम HgO COCH3 होल ट्वाइज H2O। तो अभी तक तो आपके लिए मेरे को लगता नहीं है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए कार्बोकेटाइन दोनों में नहीं बनना, नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। 3 डिग्री आपको लग रहा कार्बोकेटाइन बना है, रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, इस लालच में नहीं फंसना है, उसने इसीलिए दिया है। प्रोडक्ट बनाते हैं डायरेक्ट, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा जैसे इनका कॉन्सेप्ट है उसी हिसाब से। ये और ये जो है इसमें सेम है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, बस वेरिएशन जो है H2O2 आ गया तो OH आ जाएगा, यहाँ एंटी मार्कोनिकोफ, यहाँ पे अपना नॉर्मल ये लीजिए। तो वही जैसे ही H2O2 आया तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल लग गया, ठीक है, और यहाँ पे मार्कोनिकोफ रूल, कोई किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं हुआ क्योंकि
कार्बोकेटाइन ही नहीं बनता है, कैसा रीअरेंजमेंट। चलें नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए हमें कुछ ऐसा एग्जांपल दे दे, CH3C CH, वही कंडीशन, H2 बताने की नीड ही नहीं है, NaBH4 OH-, THF भी दे देते कई बार, इधर आई। क्या करना है सुनिए, मार्कोनी का ऑफ रूल लगाना है और H+ OH- जोड़ना है डायरेक्ट। H इधर आएगा या इधर आएगा, तो देखिए H+ और OH-, यही बना। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H+। क्या बोलता है मार्कोनी ऑफ रूल कि उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के उस कार्बन पे जाएगा प्लस जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। भेज देते हैं, इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। लीजिए ये यहाँ जाना चाहता है, इसको भेज दिया और यहाँ क्या लगा दिया, कैसे, नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव पॉजिटिव ऐड कर दिया, कोई बहुत बड़ी काम नहीं किया हमने। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि ये जो बना है वो क्या है, अरे इनोल है। क्या है, इनोल है। इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए। अजी ऐसे होगा, कैसे होगा, ऐसे देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, मेरे हिसाब से कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आ गया होगा, ये हमें करना आना चाहिए। देखिए दो हाइड्रोजन पहले से थे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आया माइनस आया, ये H+ जो रिमूव हुआ था वो यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन क्या बन गया, ये H, हमने H लगा दिया था नहीं, हमने ऐसे ही लगा दिया, ये लीजिए ठीक है। वैलेंसी चार ही रखनी है, हमें चमत्कार नहीं करना है ठीक है, कोई डिस्कवरी नहीं करनी, जैसी है वैसे ही रखना है, ये लीजिए क्या बन गया, कीटोन। आगे चलिए, मान लीजिए कुछ ऐसा हो, अब कुछ अलग लेते हैं, बोर हो गए बहुत देर हो गया, ये लीजिए ऐसा, जब ऐसा आता है तो ऐसा डर सा लगता है, यार ये क्या आ गया, कुछ देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं, OCOCH3 का होल ट्वाइस, और इसने ले लिया ये क्या ले लिया, अब ये संकट, ये क्या है संकट, अब क्या करें, अभी तक ले रहे थे H2O, अब क्या ले लिया है, तो ध्यान रखिए इसको आप ऐसे ब्रेक कर लें, डरने की नीड नहीं है कहीं पे भी। अब हमें H+ और CH3O- ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल जो कराते आ रहे हैं, ऊपर H2O था तो हम वैसे ऐड कर रहे थे, ये लीजिए मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है कि भाई यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं, इस वाले मैं सिर्फ इन दोनों कार्बन की बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगी जहाँ हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा OCH3। H लिखें ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, OCH3 यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा हो, कैसा हो, कुछ ऐसा हो, HgO COCH3 का होल ट्वाइस CH3COOH, ये लीजिए, बोले ये क्या दे रहे हो, बार बार चेंज ही किए जा रहे हो, एक समझ में आता नहीं है, दूसरे पे आ जाते हो। सिंपल है, करना क्या है कि भैया जो चेंज कर रहा है ना उसको प्लस माइनस में ब्रेक कर दो, H+ CH3CW-, बस ये चिपका दो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, ये देखिए आगे चलिए, जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे आप वैसे तो अभी अगर बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं, मान लीजिए CH3 है तो कैसे होगा,
यहाँ पे आ जाएगा ओ सी ओ सी एस थ्री और यहाँ पे आ जाएगा एच। ध्यान रखिएगा अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन देता है तो हमें साइक्लिक कंपाउंड में, किसमें, साइक्लिक कंपाउंड में एंटी बना के आना है, एंटी एडिशन होता है। ध्यान रखिएगा साइक्लिक कंपाउंड्स में, देखिए इसको मैंने कैसे अटैच किया है, एच और ओ एच, एंटी कंडीशन, एंटी यानी इनकी पोजीशन है एंटी, यानी ये वेज पे तो ये डैश पे होगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर ऐसे होता, कैसे होता, छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा, छोटा सा क्या होता, एच जी ओ सी ओ सी एस थ्री होल ट्वाइस सी एस थ्री ओ एच और एन ए बी डी फोर एच माइनस ये लीजिए। अब तो ध्यान रखिएगा ये सप्लाई कर रहा था एच नेगेटिव, अब डी नेगेटिव सप्लाई करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाना है, प्रोडक्ट बन जाना है ये, अब ध्यान रखिए स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन कर लेते हैं, ये मिथाइल ग्रुप है, तो अगर हम यहाँ पे ओ सी एस थ्री को वेज में लगा रहे हैं तो यहाँ पे किस में लगाएंगे, डैश में, और क्या लगाएंगे, डी, तो यहाँ पे डैश में क्या चला जाएगा हमारा सी एच थ्री। तो ध्यान रखिएगा साइक्लिक कंपाउंड्स में स्टीरियो केमिस्ट्री को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि देखिए ध्यान रखिए इन कंपाउंड्स में तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में रोटेशन हो जाता है तो सिन एंटी बन गया, लेकिन इनके अंदर क्या बनाना है, हमें स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन रखना है और प्रोडक्ट को क्या बनाना है, स्टीरियो केमिस्ट्री देते हुए एंटी एडिशन कराना है। अब इसमें जो मार्क ध्यान रखने वाली चीज़ है वो सॉल्वेंट है, वो ये चेंज कर सकता है और वो ये चेंज कर सकता है, और इसको हम कैसे डील करते हुए मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये था क्या, डीमर्क्यूरेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ओके, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।